माननीय सभापति महोदय, मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 16वीं विधानसभा में चुने हुए सभी सम्मानित सदस्यों को मैं बधाई देता हूं और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण हुआ। हम तो नए लोग चुन करके आए, यहाँ की परंपराओं को कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ आज से पहले देख करके सीखने का प्रयास किया, लेकिन जब महामहिम महोदय बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि महामहिम यहाँ राज्य का अभिभाषण नहीं पढ़ रहे, वो केंद्र सरकार का कोई अभिभाषण पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको कोई दिल्ली से जैसे पर्ची सरकार जैसे बनी वैसे कोई पर्ची मिल गई, उस पर्ची पर पूरा पैरा पढ़ करके वो चले गए। चलो धन्यवाद, पढ़ तो गए, आज से पहले ऐसा सुना है कि टेबल कर देते थे। पैरा नंबर 24 पर मैं ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। राजस्थान की जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान की बात कही तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि 500 रुपए से 1000 रुपए प्रतिमा करने की बात उसमें कही है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खेती और किसान के बिना प्रदेश और देश की उन्नति संभव नहीं है। किसान खेती करेगा तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं देश के आर्थिक विकास का आधार खेती है, क्योंकि 70% से ज्यादा लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं और खेती कर रहे हैं। देश प्रदेश के आय का भी महत्वपूर्ण जो आय का साधन है वो भी खेती है। तो मैं कोरोना जैसे देशव्यापी महामारी में भी सब चीजें रुकने का काम हुआ, लेकिन खेती जो कृषि के क्षेत्र में जो लगातार बदस्तूर काम चलता रहा, जो रुका नहीं। मैं इस नई नवेली सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि सरकार बनते ही जो पूर्ति सरकार में किसान को पूरी बिजली मिल रही थी, 6 घंटे बिजली मिल रही थी, और जैसे सरकार बनने के बाद में गाँव में जितने टेलीफोन गाँव से आते हैं 80% लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि बिजली पूरी कब आएगी। भले ही 4 घंटे बिजली दें, लेकिन पूरी लगातार तो बिजली दे पाए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गांव में सुदूर गांव में बैठे लोगों को बिजली देने का काम आप लोग कब पूरा कर पाएंगे। जिस तरीके से पिछली सरकार ने 2000 यूनिट बिजली किसानी बिजली फ्री देने का काम किया, क्या आने वाले वक्त में ये सरकार पर्ची सरकार भी क्या राजस्थान की जनता को 2000 या उससे ज्यादा यूनिट बिजली फ्री दे करके जो किसान की आय बढ़ाने की बात कर रहे थे वो काम उस काम में अपना सहयोग करना चाहते हैं क्या? किसान सम्मान निधि में 500 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 1000 रुपए करने की बात कही। देश की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा किसान की आय दुगुनी करेंगे, लेकिन आय दुगुनी करने के नाम पर आज केवल 1500 रुपए बढ़ा करके आय दुगनी नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब बढ़ाने का काम करना चाह रहे हो आप लोग, तो किसान का 1000 नहीं महीने का आप 10000 बढ़ाने का काम करना चाहिए। MSP पर खरीद की बात आपने कही है, 2700 रुपए गेहूं खरीद की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं लगता नहीं कि राजस्थान में आज MSP पर कहीं खरीद हो रही है। देश के अंदर पिछले साल जो 3 काले कानून लेकर के आए और पूरे देश के अंदर 1000 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री के कानों पर जू नहीं रहेंगी और देश के इतने सारे किसान शहीद हो गए, उसके बाद घुटनों के बल आना पड़ा और बात माननी पड़ी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री चाहते थे उनके उद्योगपति मित्रों को किस तरीके से मैं फायदा पहुंचा सकता हूं, मेरे उद्योगपति मित्र जो हैं उनको कैसे मैं लाभ दिला सकता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं किसान कौम को कि वो रोड पर आई और आकर के अपने हक की बात करी तो उनको हक मिल सका। पैरा नंबर 58 में चिरंजीव योजना की बात करी गई है, आप उसमें वाहवाही लूटने के जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैंने देखा है एक बूढ़े पिता के कंधों पर जवान बेटे को जाते देखा है। मैंने देखा है एक गरीब व्यक्ति को अपने इलाज के लिए घर जमीन गिरवी रखते हुए देखा है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्ववर्ती सरकार को, आदरणीय अशोक गहलोत जी को, कि जिन्होंने चिरंजीवी जैसी योजना लेकर के आए और 25 लाख तक का इलाज
राजस्थान में फ्रीज करने का काम किया और देश प्रदेश के 7.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस बात का लाभ होने का काम हुआ। और जैसे सरकार बनी आपने इसका नाम आयुष्मान भारत करने का तो काम किया है, लेकिन जो 25 लाख तक का इलाज लोगों को फ्री मिल रहा था, क्या आने वाले वक्त में 25 लाख से बढ़ा करके आप लोग इसको 50 लाख करने काम करेंगे क्या? मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि मेरे सदन यहां सदन में उस साइड बैठे तमाम लोग अपना शुरू सारा काम किया, तब से स्टार्ट किया श्री राम को लेकर के, हम सब लोग भी राम को मानने वाले लोग हैं। वो राम मंदिर बना है तो केवल उस पक्ष के लोगों से नहीं बना, उनमें हम सब लोगों का भी सहयोग रहा है, सब लोगों ने सहयोग किया है। लेकिन आप और हम सब लोग यह चुनकर इसलिए आए हैं, अपने अपने क्षेत्र की बात करें, विकास की बात करें, किस तरीके से अपने क्षेत्र को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। हमारे लोगों ने चुनकर हमें इसलिए भेजा है कि हम उनके हक और हकूक की लड़ाई या खड़े होकर लड़ सके, उनकी बात कह सके। मुझे कई बार लगता है देख करके कहीं रामायण मंचन में तो नहीं आ गए, कहीं महाभारत मंचन में तो नहीं आ गए, इस प्रकार का या वक्तव्य देने का आप लोग काम करते हो। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है कि मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूं कि सभापति महोदय कि हो सके तो एक दिन कहीं रामायण महाभारत का पाठ करवा लो और उसके बाद में हम सब लोग यहाँ बैठ करके और प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के बारे में चिंता करें कि किस तरीके से हम लोग उस जनता को भला कर सकते हैं, उस जनता को फायदा दिला सकते हैं, उनके बारे में बात करने की आवश्यकता है। श्री राम भगवान सबके हैं, आपको ये बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपकी प्रदेश में सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और राजस्थान में जयपुर जिले के अंदर प्राचीन मंदिरों को तोड़ने काम आपकी सरकार ने किया था, आप इन बातों को नहीं भूलना चाहिए। मैं तो आपका ध्यान आकर्षण इसलिए करना चाह रहा हूं कि कल से हम लोग आए यही बात यहाँ सुनने को मिल रही है। ऐसा लग रहा था मुझे कि श्री राम भगवान का पेटेंट तो आप लोगों ने करवा लिया, हम लोग तो श्री राम भगवान को मानने वाले नहीं है। अदर अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अंदर अपराध अपनी चरम सीमा पर है। मेरे जिले में बैरोड विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रातः भ्रमण पर गए एक शिक्षक दंपति के साथ सुबह घात लगाकर बैठे लोगों ने जान से मारने का प्रयास किया गया। हमारे थानाकादी में हुए हमले में किस तरीके से मारने का लोगों को प्रयास किया जा रहा है। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के अंदर एक नौजवान को मार करके सड़क पर डाल दिया जाता है। मैं इन सब बातों का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। राजीव गांधी युवा मित्रों के बारे में क्या सरकार इस बारे में चिंता कर रही है क्या कि वो 5,000 लोग नहीं वो 25,000 लोग हैं, उनके परिवार कैसे चलेगा? सरकार इस बात पर ध्यान दिया है क्या कि उनके परिवार की रोजी रोटी कैसे उपलब्ध हो पाएगी? वो कोई नौजवान साथी इस बात चिंता कर रहा था कि मेरी बहन की शादी होगी और मैं उसके अंदर उसके लिए सामान लेकर के आऊंगा, उसकी शादी में मैं काम करूंगा, उसके लिए मैं कुछ गिफ्ट लेकर के आऊंगा और उसको आपने सड़क पर बैठाने का काम किया है। वो लोग बैठे हैं, उस बात की चिंता सरकार करे और उनको वापस लगाने का काम हम लोग करना चाहिए। घरेलू सिलेंडर के बारे में 450 रुपए की बात कही है, मैं सरकार का माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 450 रुपए का सिलेंडर देने की बात कही है, वो सीधा जनता को सिलेंडर 450 का दे दो भाई। आप 450 का दोगे सब्सिडी डालोगे, कई सारा लफड़ा होगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं हो। आपकी देने की मनसा है तो आप लोग उनको 450 में सीधा देने का काम करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, कल मेरे एक साथी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर आप भी किलोमीटरों पैदल चले हो और आप भी इसी साइड से उधर गए हो। मैं मानता हूं इस बात को कि दिल्ली से पर्ची मुख्यमंत्री की आई वैसे पर्ची आपको मिली होगी, मैं गलती आपकी नहीं मानता, लेकिन आपने जो जिस प्रकार वक्तव्य यहां दिया था, आपको एक बार सोचने की आवश्यकता थी कि उसी में और आने वाले वक्त में भी ये लोग आपकी सम्मान नहीं करेंगे, आपको वापस इधर आना पड़ेगा और यही लोग आपका सम्मान करेंगे। मैं आपका ध्यान इसलिए करना चाह रहा हूं कि कल का अभिभाषण में आपका सुन रहा था, आपकी बात सुन रहा था, उनको देखकर लग रहा था कि आप जाते ही फिल्टर हो गया, लेकिन मुझे किसी छात्र ने बताया कि इनको पर्ची मिली दिल्ली से, उसके बारे में बोल रहे। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार में ओबीएस योजना लागू करके क्या इस पूरे अभिभाषण के अंदर कहा गया है कि भ्रष्टाचार और कई सारी बातों चर्चा करी गई है, क्या ओबीएस लागू करके राजस्थान के उन कर्मचारियों को फायदा देने की बात सरकार ने करी तो क्या भ्रष्टाचार है? क्या सामाजिक पेंशन देने की बात थी भ्रष्टाचार है? रोडवेज में महिलाओं को आरक्षण आधा क्रय करने की बात थी भ्रष्टाचार है? 100 यूनिट बिजली घरेलू फ्री देने की बात करी क्या वो भ्रष्टाचार है? 2,000 यूनिट किसानी बिजली देने की बात करी क्या वो भ्रष्टाचार है? 125 दिन में काम देने का काम किया क्या वो भ्रष्टाचार है? 1 मिनट का मैं एक समय देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय,
2014 के अंदर 15 लाख रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात कही थी, रुपए डॉलर को बराबर करने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, 1 सर के बदले 10 सर लाने की बात कही थी, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ और आपने चलाए 2000 नोट क्यों बंद किए, इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत है। और प्रदेश के विकास के लिए हम सब लोग जब भेजा गया हमारी जनता ने, हम सब लोग बैठ करके यहाँ प्रदेश की जनता के बारे में चिंता करें, एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय प्रदेश के हित के बारे में प्रयास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर